हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरिंदर। आप देख रहे हैं टेक्निकल बॉस। आज हम सीसीटीवी कैमरे के बारे में बात करेंगे। हम मोबाइल फ़ोन में कैसे सीसीटीवी कैमरा चला सकते हैं। हमको दो मोबाइल फ़ोन चाहिए और दो ऐप हैं वो डाउनलोड करनी है एंड्रॉयड फ़ोन में। तो मैं आपको, आप ये वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मैं आपको सही तरीके से बता सकूँ कि कैसे आप घर पर ही सीसीटीवी कैमरा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाएं और वहाँ पर सर्च करें ABS और इस ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें। और हम इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बैक करेंगे इंफॉर्मेशन, यह है इसकी इंफॉर्मेशन। तो देख लीजिए, इसका आइकन भी देख लीजिए। और हमें दूसरी ऐप डाउनलोड करनी है, वो दूसरे फ़ोन में डाउनलोड करनी है, पर मैं आपको इस फ़ोन में डाउनलोड करके बताता हूँ। और इसका नेम है AT@Home कैमरा, और इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है, लेकिन दूसरे फ़ोन में इंस्टॉल करना है, एक इस फ़ोन में एक दूसरे फ़ोन में। तो इसकी इंफॉर्मेशन, इसका आइकन देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको दोनों को एप्लीकेशन चला कर बताता हूँ। पहले हम स्टार्ट करेंगे ABS, ये कैसे काम करती है और ये कैसा दिखाई देती है। और ये चल पड़ी ऐप, ये वार्निंग आई, इसको ओके कर दें। और यहाँ पर ये आया है कोड, आया है CID, और इस कोड को दूसरे फ़ोन में फिल करना है, यानी कि दूसरी ऐप में फिल करना है। तो दूसरी ऐप भी चलाकर बता देता हूँ वो कैसी दिखाई देती है। एट होम, ये ऐड आ गई है, इसको 2 सेकंड लगेंगे। और यहाँ ये जैसे दिखती है, और प्लस आइकन पर प्रेस करें जहाँ पर ऐड कैमरा बाय CID और ऐड कैमरा बाय QR। तो हम शुरू करते हैं। और पहले इस फ़ोन में एप्लीकेशन चलाते हैं, इसमें चलाते हैं हम ABS। ये देख लीजिए, ये इंफॉर्मेशन सारी दूसरे फ़ोन में फिल करनी है। ये CID कोड फिल कर लो या QR स्कैन से चला लो। और हम जो दूसरा फ़ोन लेते हैं वहाँ पे हम एट होम कैमरा एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओपन कर उसको फिर वहाँ पर लॉगिन कर लेंगे फेसबुक, और मैंने पहले से कर रखा है। और यहाँ पर प्लस आइकन पर करना है, और कैमरा एडवाइस CID करना है, और QR कोड करना है, और हम CID करेंगे, मैंने पहले से कर रखा है। और जो दूसरे फ़ोन में इंफॉर्मेशन है बाय CID खोल कर दूसरे फ़ोन में जो इंफॉर्मेशन लिखी है वो सारी फिल कर देनी है, जैसे 9144 9913, ये अपने दूसरे फ़ोन में फिल कर देना है, जहाँ QR कोड से आप चला सकते हैं। मैं दूसरे फ़ोन में दिखाता हूँ, ऐड बाय QR कोड, और मैंने वो पहले से कर रखा है ऐड बाय CID पर। जब हम तो अब मैं यहाँ पर ऐड बाय CID कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो यहाँ पर जो ब्लैंक्स हैं दूसरे फ़ोन में, वो ये सभी चीज़ें उसमें फिल कर देनी है। CID फिल कर देना है, यूज़र नेम फिल कर देना है, पासवर्ड फिल कर देना है। तो फिर उसको सेव कर देना है। तो आपके पास इन तीनों में ये फिल कर देना है और फिर सेव कर देना है। तो फिर आपके पास ये आ जाएगा एंड्रॉयड 9913, और मेरे दूसरे ID का नंबर है 9913। तो चलिए अब इसको ओके करते हैं और देखते हैं कैमरा वर्क करता है कि नहीं। लोडिंग वर्क, और ये कैमरा चलने लगा। और दूसरा फ़ोन ऊपर उठाता हूँ तो ये देखिए कैमरा चलने लगा।
एक दूसरे को शो हो रहा है बीच में से, आप देख लीजिए जी काम कर रहा है। चलो हम दूसरे तो देखते हैं, हम कैमरा घुमा कर देखते हैं, हम रख रही है और ब्लैक स्क्रीन हो गई। कैमरा थोड़ा घुमाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। ये चल रहा है बहुत अच्छा, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है। आप सभी को ये ट्राई करना चाहिए जो हम घर से बाहर होते हैं। अब हम हमारा एक फ़ोन रख दिए और दूसरे फ़ोन में सभी कुछ देख सकते हैं, पर दोनों फ़ोन में इंटरनेट होना ज़रूरी है। इंटरनेट के बिना ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा घुमाकर, ये देखिए ऊपर पंखा चल रहा है और सारा कुछ आ रहा है वहाँ फ़ोन में। और यहाँ पर मेरा पीसी रखा हुआ है, ये देख लीजिए, ये काम करिए दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये होप है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।